प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दक्षिण भारत के सबसे बड़े स्टार और राजनेता बने रजनीकांत का समर्थन मिला है। एक तरफ जहां तमिलनाडु की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ी हैं, वहीं तमिलनाडु की राजनीति कदम में रखने वाले रजनीकांत ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का सपोर्ट किया है और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर रजनीकांत ने केंद्र का समर्थन करते हुए कहा, वन नेशन वन इलेक्शन का अच्छा विचार है, इससे समय और पैसा बचेगा। बहुत सारी पार्टियां और जो क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस पार्टी भी खुद नहीं चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो बहुत सारा देश का समय बचेगा और देश का जो भी सारा काम है, ध्यान है, वो इलेक्शन के बजाय देश निर्माण में लगेगा। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि हमेशा चुनाव रहे। देखते हैं आजकल कोई भी छोटा सा चुनाव हो, कॉलेज हो, गांव के प्रधान का हो, यहाँ तक कि अब तो मॉनिटर के चुनाव को भी लेकर मीडिया में बहस चल जाती है और सर्वे होने लगते हैं, बहुत सारे विकास के काम ठप हो जाते हैं और लोग उन्हीं पर ध्यान लेते हैं। तो इससे अच्छा है हमें विकसित देश हैं उनको फॉलो करना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है और उसे साकार होना चाहिए और जिस पर रजनीकांत ने अपना समर्थन दिया है। ये बहुत बड़ा समर्थन है दक्षिण भारत की पार्टियों से।